नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। हरदा जिले की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 23 जनवरी से तालाबंदी हड़ताल पर हैं, जिससे कहीं ना कहीं जिले के नौनिहाल आंगनवाड़ी जाने से वंचित है। कलेक्टर कार्यालय के सामने विगत 4 दिनों से जिले की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शासन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं, जिन्हें कई राजनीतिक दल और कई संगठनों ने सही ठहराया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती गौर ने मीडिया को बताया, हम 28 जनवरी तक हरदा में हड़ताल करेंगे, इसके बाद प्रदेश स्तर पर हड़ताल के लिए आह्वान करेंगे। हरदा से श्रीराम कुशवाहा की रिपोर्ट। हाथ आ जाओ ना, ले आ जाओ। एक सेकंड। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अर्चना गौर है और मैं हरदा जिले की जिला अध्यक्ष हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की। आप हड़ताल पे कब से बैठे हैं? हम हड़ताल से 23 तारीख से बैठे हुए हैं और हम सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं। और हमारी बस पहली मांग ये है कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। तो ये हड़ताल के अनिश्चितकाल के लिए कोई समय के लिए? ये 28 तारीख तक है हमारी हड़ताल। यदि 28 तारीख तक सरकार नहीं सुनती है तो हम प्रदेश स्तर पर हमारी हड़ताल रखेंगे। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे जिले में, मध्य प्रदेश पूरे में चल रही है तालाबंद हड़ताल। इससे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। सरकार से हमारा यही कहना है कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी तक कोई आपसे अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि संपर्क करने आया नहीं है? आए हैं, हमारे पास पटवारी संघ से भी आए हैं संपर्क करने के लिए, हमारे पास कांग्रेस पक्ष से भी आए हैं संपर्क करने के लिए, किसान संघ से भी आए हुए हैं। सत्ता पक्ष से कोई आया? सत्ता पक्ष से अभी हमारे पास नहीं आया। कोई कोई नहीं आया कोई नहीं आया